Live your life and forget your age. That's good one. दोस्तों वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग. आप देख रहे हैं स्टेप अप विद जिग्ना. सुबह का हेल्दी रूटीन में सेकंड पार्ट है कि पार्क में आना है जो आ गए हैं. और मैं हर रोज़ नहीं आती हूँ. ये भैया दूर से मुझे बोल रहा है कि जूम कर. मैंने ऑलरेडी जूम करके ले रही हूँ. तो बस पार्क में आए हैं. मैं हर रोज़ मम्मी पापा के साथ नहीं आती हूँ पर थोड़े थोड़े दिन में आ जाती हूँ. और सब एक्सरसाइज कर रहे, बातें कर रहे, मज़े कर रहे हर रोज़ की तरह. चलो मैं भी पूरा चक्कर लगा लेती हूँ, थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, आपको भी दिखा देती हूँ पूरा सर्कल. थाई गई एक्सरसाइज, बड़ी बड़ी गई एक्सरसाइज. पार्ट टू ख़त्म हुआ और ये सब्जी मंडी की आवाज़ सुनाई दी. तो दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट कि मैं सब्जी बाय करूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है सभी सब्जी बाय करने में. उसके खाने से जितनी मेरी विटामिन और मिनरल्स बढ़ते हैं उससे ज़्यादा बाय करने में शायद बढ़ते हैं मेरे. वाओ, ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ बाय करने का मज़ा ही कुछ अलग है. अभी हमें जाना है एक सोशल इवेंट में, तो निकल रहे हैं नडियाद के लिए. इट्स नॉट योर फूड. टाइम नहीं मेरे पर. तो भैया को बता रही थी कि सारे रिकॉर्डिंग तो कर रही हूँ, बहुत मन है कि ये सारे वीडियो जल्द से अपलोड कर लूँ, बट एडिट करने का टाइम पता नहीं कब मिलेगा. ये है आनंद विद्यानगर रोड, बहुत बिजी रहता है शाम को. चलो गुजरात के थोड़े से रास्ते देख लेते हैं जो नडियाद की ओर जाते हैं आनंद से. दोस्तों ये है नडियाद और रिलेटिव्स के वहाँ पे जाना है और लंच भी वहीं पे साथ में सब लोगों को करना है. लंच हो गया, सबको मिल लिया, अब वापस जा रहे हैं. आज शाम के खाने में मैं बना रही हूँ दाल पालक. सबको पसंद है मेरे हाथों की दाल पालक, तो वो बना रही हूँ. मैंने ये रेसिपी शेयर की है या नहीं पता नहीं, बट नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी तब सॉल्ट में डाल दूँगी आपको रेसिपी अगर इंटरेस्ट है तो. बट ये अच्छी बनती है एंड इट्स रियली हेल्दी. पापा के लिए अलग से निकलना पड़ता है. टमाटो भी ना खा तो थोड़ी सी ज़्यादा प्रिपरेशन लगती है. अलग से टमाटर यहाँ पे मैं कर रही हूँ और किसी को मिर्ची कम खानी है तो वो भी अलग से कर लूँगी. डिनर के बाद प्रेयर करके सो गए. दूसरे दिन ये कौन आया है हमें मिलने के लिए. देख लो बाबू जी बड़ी बात करते ભગવાન
ये नेबरहुड में रहते हैं और घर पे भाभी को सब हेल्प करते हैं काम में। इतना प्यारा सा है, बेबीज आर वेरी क्यूट, ऑल बेबीज आर वेरी क्यूट। अभी दोपहर में मम्मी पापा थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, नींद लग चुकी है। तो मैं और भाभी थोड़ा सा शाम का प्रिपरेशन कर देते हैं एंड कल भी तो पंडित जी आने वाले, तो काफ़ी तैयारी करनी है। सुबह हो गई है और सुबह में सब लोग क्या कर रहे हैं चलो दिखाती हूँ। आज दूध छे ने वधार ले। मम्मी पापा तो सुबह में 5 बजे उठ जाते हैं और मैं भैया भाभी को ही इतने जल्दी से नहीं उठते, तो मम्मी पापा अपना संभाल लेते हैं। पापा की काफ़ी मदद रहती है भैया भाभी और मम्मी को। सुबह में योगा कर लेते हैं और फिर मम्मी पूजा करती है। जब मम्मी की सेवा पूजा चलती है तब भैया और पापा फ्रेश जूस सबके लिए बनाते हैं, कैरेट एंड बीटरूट का, और एक चीज़ बनाते हैं दोनों सुबह में। पापा हर रोज़ शाम को ड्राई फ्रूट भिगो के रखते हैं और दूसरे दिन उसका दूध मिल्क शेक बनाते हैं, ड्राई फ्रूट मिल्क शेक, बहुत सा यमी बनाते हैं वो। चलो नीचे दिखाती हूँ क्या क्या चल रहा है। सब नहा धो के रेडी हो गए हैं। यहाँ पे दाल है, खीर हो रही है, पोटैटोज रेडी है, फूल हार आ गए हैं, हवन की सारी सामग्री आ गई है। शी इज गुड गर्ल हेल्पिंग हर मॉम। यहाँ पे लकड़हार भी आ गए हैं, सब लकड़ियाँ रेडी कर रहे हैं हवन के लिए। तो आज होने वाला है हवन और 4 या 5 पूजा ब्राह्मण इकट्ठा होके हवन करने वाले हैं, तो वो पूजा मैं आपके साथ शेयर करूँगी अलग से वीडियो में, सिर्फ पूजा का वीडियो होगा वो। नेक्स्ट आवाज सुनेंगे मेरे भतीजी की। महाराज आ गए हैं, साग रेडी हो गया है और महाराज के लिए चाय बन रही है। यहाँ पे महाराज पुजारी जी सब प्रिपरेशन कर रहे हैं पूजा शुरू करने की, और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।
आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर देना। आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी से मिलते हैं एक नए व्लॉग या वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव एंड जय श्री कृष्ण।